और शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। यूपी की ब्रेवर केसे में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। 7 वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर का ट्रांसफर हुआ है। डीके ठाकुर एडीजी मेरठ जोन बनाए गए हैं। अशोक कुमार सिंह एडीजी पुलिस भर्ती बोर्ड है। अखिल कुमार कानपुर पुलिस कमिश्नर बने हैं। केएस प्रताप कुमार एडीजी गोरखपुर जोन बने हैं। आरके स्वर्णकार एडीजी एपीटीसी सीतापुर बने हैं। वही सुजीत पांडे एडीजी पीएसी लखनऊ बनाए गए हैं। राजीव सबरवाल एडीजी अंबेडकर एकेडमी मुरादाबाद बने हैं। बड़ी खबर, बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। 7 वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर्स का ट्रांसफर किया गया है। तो यूपी की ब्यूरोक्रेसी में बड़ा फेरबदल। मयूर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं जी मीडिया संवाददाता। मयूर, क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए 7 आईपीएस अफसरों के तबादले हुए जो है वो किए गए हैं देर रात। इसमें केएस प्रताप कुमार को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन बनाया गया है। राजीव सबरवाल अपर पुलिस महानिदेशक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अकेडमी मुरादाबाद उनको स्थानांतरित किया गया। अखिल कुमार पुलिस आयुक्त पुलिस कमिश्नरेट कानपुर नगर बने हैं। वही ध्रुव खान ठाकुर यानी कि डीके ठाकुर जो पहले लखनऊ के पुलिस कमिश्नर थे उनको अब अपर पुलिस महानिदेशक मेरठ जोन भेजा गया। वही सुजीत पांडे भी लखनऊ में एसएसपी रह चुके हैं, उन्हें भी अपर पुलिस महानिदेशक पीएसी लखनऊ बनाया गया है। अशोक कुमार सिंह अपर पुलिस महानिदेशक यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड जिनको अहम जिम्मेदारी दी गई है क्योंकि पुलिस में अभी भर्तियां होनी है, तो ऐसे में इनके ऊपर अहम जिम्मेदारी रहेगी कि पारदर्शिता बनाते हुए ये सभी भर्तियां कराई जाए। वही रामकृष्ण स्वर्णकार अपर पुलिस महानिदेशक एपीटीसी सीतापुर बनाया गया। तो इन 7 लोगों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं। 2024 लोकसभा चुनाव है, उससे पहले इस तरीके के आईएएस आईपीएसों के फेरबदल देखने को मिल सकते हैं। बहुत शुक्रिया मयूर, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।